अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज रुहमा जो है ना, वो आपसे बात बहुत कम करेगी क्योंकि वो आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ रही है सुबह का। तो चले मैं उससे ना आपको मिलवाती हूँ। ये देखिए जी, ये मेरा पढ़ाकू बच्चा जो है ना, वो पढ़ाइयाँ कर रहा है। 21 तारीख को इसका पेपर स्टार्ट है, तो अब इसे बहुत अच्छी तरह याद आया है कि मैंने तैयारी करनी है। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। रुहमा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज मैंने आपसे वीडियो का स्टार्ट मैंने आपके साथ नहीं लिया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैंने सब स्टूडेंट्स की तरह मैंने भी कुछ इतना खास नहीं पढ़ा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हम सबके लिए दुआ करें कि हम लोग सब जो है ना अच्छे नंबर से पास हो जाए। घर वालों से डांटना पड़ेगा क्योंकि अगर मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, मेरा सारा ब्लेम मेरे फ़ोन पे जाना है। मामा ने कहना है काके नु फरिया दसू। मेरी मामा मेरे फ़ोन का नाम रखा हुआ, मामा ने काका जरा बताने देना। आपने क्या एक्सप्लेनेशन करी काके की? अभी मैं बताती हूँ, ज़रा सब्र करो। चलो अब हाँ जी, तो काके का इसने ज़िक्र किया। काके से तो मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है क्योंकि जब ये यूज़ करती है ना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत कम यूज़ करे। करती तो वैसे कम ही है, लेकिन फिर भी जो है ना, मुझे बहुत उलझन होती है। मैं कहती हूँ ज़्यादा टाइम जो है ना वो पढ़ाई की तरफ दो, क्योंकि ये पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। ये काके को जो है ना इस्तेमाल करना कम करो। मैं दूसरे बच्चों को भी बोलूँगी, दूसरे बच्चों को नहीं बोलूँगी, सिर्फ मुझे बोलूँगी, दूसरे बच्चों को भी बोलूँगी, क्योंकि हर घर में यही हाल है कि काके को लेके ना बस खिलाती रहती हैं, उससे खेलती रहती हैं। तो सबको यही चाहिए कि एक लिमिट होनी चाहिए काके को खेलने की या उसके साथ खिलाने की। एक दूसरे को मक्खी 2-3 दिन से अंदर में घुसी हुई है, लेकिन वो निकल नहीं रही। बेड़ा गर्क किया और उसने सबको तान करके रखा हुआ है। तो मैं दुआ करूँगी कि मेरी बेटी को अल्लाह पाक कामयाब करे। और आप प्लीज़ आप भी दुआ कीजिएगा कि सब बच्चों के जिनको एग्ज़ाम है, चाहे बेटा है चाहे बेटियाँ हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम ज़ाया हो गया कोरोना की वजह से। तो अब शुक्र किया है कि अल्लाह अल्लाह करके इनके एग्ज़ाम होने लगे हैं। तो प्लीज़ आप भी सब दुआ कीजिएगा कि मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि हम सब स्टूडेंट्स को मिलकर आपकी दम तक दुआ करनी चाहिए कि हम लोग प्रमोट हो जाएं। आमीन आमीन, प्रमोट हो जाए पढ़ाई के बगैर ही। हाँ, तो पिछली फर्स्ट ईयर भी तो ऐसी प्रमोट हुई थी ना, तो हमें क्या है, मेहनत करो बेटा प्रमोट। ये दुआ मत करो कि ऐसी बगैर मेहनत के ही प्रमोट हो जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये अब वीडियो खुद नहीं बनाया करेगी, कुछ दिन मैं ही बनाया करूँगी। तो मैंने कहा कि आप लोगों से जुदा ही जो है ना, मेरा बिजनेस मेरी मामा संभाल रही है। तो ये है कि आप लोगों के साथ जो है ना हमारा रابطہ रहे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और